हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। दोस्तों हम सबको पता है कि यूपीएससी माउंटेन रेंजेस की बात हो या फिर ज्योग्राफी में हम किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो मैप पोर्शन यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। इसमें यूजुअली इस साल भी सह्याद्री और उनके रेस्पेक्टिव वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स या फिर सतपुरा विंध्यास रेंजेस के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू हमें इन सब की परफेक्ट लोकेशन, इनके अलग अलग रेंजेस के अंदर एस्टैब्लिश्ड माउंटेन्स, हाईएस्ट पीक्स, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं ना, तो हमें इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम इस एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे पूरे के पूरे पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस को। दोस्तों हम इस डिस्कशन में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हम लोग की यूपीएससी के प्रिपरेशन में ऑप्शनल का आप सबको पता ही बहुत बड़ा रोल होता है। आउट ऑफ 500 मार्क्स हम लोग आसानी से इसमें अप्रॉक्सीमेटली 60-70% तक भी स्कोर कर लेते हैं, जबकि ऑन एन एवरेज जीएस पेपर के इस 1000 मार्क्स में हम लोग हार्डली 40-45% ही स्कोर करते हैं। तो अगर इस ऑप्शनल की प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करना चाहते हो आप तो ये कुछ अवेलेबल ऑप्शनल्स हैं पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, PSIR, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर। इसमें से कुछ ऐसे ऑप्शनल्स हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल हैं, कुछ ऑप्शनल्स ऑब्वियसली सिर्फ इंग्लिश मीडियम में हैं और हिंदी लिटरेचर एज यूजुअल हिंदी साहित्य हिंदी मीडियम में है। इससे कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ आपको इसमें 10 रिविजन टेस्ट और 2 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। इन सभी का डिटेल्ड इवैल्यूएशन आपके साथ होगा। रेगुलर बेसिस पर यहाँ की फैकल्टीज आपसे आंसर राइटिंग क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग सेशंस देंगी और इसको आंसर राइटिंग कैसे करना ये भी सिखाएंगी। क्लास की PPTs आपको डेफिनेटली एज ए नोट्स बिल्डिंग बहुत हेल्प करेगा। डेली क्लास नोट्स अलग से भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इन लेक्चर्स में, जब भी हम जो टॉपिक कवर कर रहे होंगे उसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इंक्लूड करेंगे। डाउट सेशंस रेगुलरली होंगे जिससे कि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उनको भी फैकल्टीज डायरेक्टली उसको क्लियर कर सकें। इस पूरे सेशन, इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2024 तक होगी, तो इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। इसकी फ़ी है 8999 से स्टार्ट। आप लोग डेफिनेटली pw.life पर जाके इन सभी ऑप्शनल कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जब भी बात माउंटेन्स की होती है तो सबसे पहले हमारे दिलो दिमाग में हिमालयस का नाम आता है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हिमालयन माउंटेन्स का ओरिजिन तो बहुत रीसेंट है। हिमालयस के फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसका ओरिजिन टर्शियरी पीरियड यानी कि आज से लगभग 40-50 मिलियन ईयर्स पहले ही हुआ है, जबकि इंडिया के सेंट्रल और सदर्न पार्ट में लोकेटेड माउंटेन रेंजेस, जिसे हम पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस भी कहते हैं, इसका फॉर्मेशन पैलियोजोइक एरा यानी आज से लगभग 250 से लेके 540 मिलियन ईयर्स पहले हुआ है। अब फॉर्मेशन पीरियड में जब इतना डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी उतने ही कंसिडरेबल डिफरेंसेस होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं हिमालयन माउंटेन्स और पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस के डिफरेंसेस पर। हिमालयन माउंटेन्स और पेनिनसुलर माउंटेन्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनका ओरिजिन। जी हाँ, जहाँ एक तरफ नॉर्थ में लोकेटेड हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, वहीं पेनिनसुलर माउंटेन्स ज़्यादातर ब्लॉक माउंटेन्स हैं। हिमालयन और पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस के बीच दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों का फॉर्मेशन प्रोसेस। हिमालयन माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन यूरेशियन प्लेट्स और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के बीच कोलिजन के कारण हुआ है, वहीं पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ था। बात अगर दोनों माउंटेन्स के कॉम्पोनेंट्स की जाए तो हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन सेडिमेंटरी रॉक से हुआ है, जबकि पेनिनसुलर माउंटेन्स मेनली मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से बना है। तो ये तो बात हो गई हिमालयन माउंटेन्स और पेनिनसुलर माउंटेन्स के कुछ मेजर डिफरेंसेस की। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में जिन्हें मेनली अरावली, विंध्यास, सतपुरा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस में हम सबसे पहले अरावली रेंज की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अलाइंड अरावली रेंज दिल्ली से गुजरात के पलनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर लेंथ में फैला हुआ है। जियोलॉजिस्ट्स की माने तो अरावली माउंटेन्स का इवोल्यूशन आर्कियन एरा यानी कि आज से लगभग 4500 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। अरावली माउंटेन्स का एवरेज हाइट 400 से 600 मीटर्स ही है।
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अरावली रेंज के माउंटेन्स वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो गंगा के एल्यूवियम प्लेन्स में लोकेटेड हरिद्वार तक एक्सटेंडेड है, बट ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम दिल्ली रिज को ही इसका नदर्न एंड मानते हैं। साथ ही कुछ ज्योग्राफर्स के अकॉर्डिंग अरावलीज का एक ब्रांच गल्फ ऑफ खंबाट के थ्रू लक्षद्वीप आर्चिपेलेगो तक एक्सटेंड होता है और दूसरा ब्रांच आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तक भी एक्सटेंड होता है। राजस्थान में ये अरावलीज डिस्टिंक्टली विजिबल होते हैं, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में ये लेस विजिबल हैं। राजस्थान के अरावली में लोकेटेड माउंट आबू बनास वैली द्वारा मेन रेंज से सेपरेट होते हैं और इसी माउंट आबू में लोकेटेड है यहाँ की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। इसके अलावा इन माउंटेन रेंजेस में पिपली घाट, देवायर एंड देसुरी पासेस लोकेटेड हैं, जहाँ से रोड एंड रेलवे मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। अरावली के बाद अब हम रुख करते हैं विंध्यास रेंजेस की ओर। विंध्य माउंटेन रेंज नर्मदा वैली के ऑलमोस्ट पैरेलल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में गुजरात के जोबाट से बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है और इसकी लेंथ की बात करें तो ये लगभग 1200 किलोमीटर तक स्ट्रेच्ड है और इसकी जनरल एलिवेशन करीब 300 से 650 मीटर तक होती है। विंध्यन माउंटेन रेंजेस गंगा रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बीच एक वाटरशेड की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ से फ्लो होने वाले रिवर्स की बात की जाए तो यहाँ से चंबल, बेटवा और केन जैसे मेजर रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। सद्भावना शिखर, जिसे गुडविल पीक के नाम से भी जाना जाता है, ये विंध्यन रेंज की हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट 752 मीटर्स है। विंध्यन रेंजेस के बगल में ही लोकेटेड है सतपुरा रेंज ऑफ माउंटेन्स। सतपुरा रेंजेस का नाम से ही पता चलता है कि यहाँ 7 माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं। सतपुरा के नाम में सत का मतलब 7 और पुरा का मतलब माउंटेन्स होता है। सतपुरा 7 माउंटेन्स की एक सीरीज है जो लगभग 900 किलोमीटर की डिस्टेंस तक स्ट्रेच्ड है और इंटरेस्टिंगली सतपुरा के माउंटेन विंध्यास के साउथ के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रफली नर्मदा एंड तापी के पैरेलल रन करते हैं। सतपुरास के पार्ट्स फोल्डेड और अपहीव्ड हैं और इन्हें स्ट्रक्चरल अपलिफ्ट या होर्स्ट भी कहा जाता है। इस रेंज में पंचमढ़ी के करीब महादेव हिल्स में लोकेटेड धूपगढ़ सतपुरा की हाईएस्ट पीक है। साथ ही इसके अलावा यहाँ लोकेटेड अमरकंटक को भी एक इम्पॉर्टेंट पीक माना जाता है, जहाँ से कई सारी इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। सतपुरा रेंजेस के बाद अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में, जिसे महाराष्ट्र और गोवा में सह्याद्रीज के नाम से भी जाना जाता है और यूपीएससी में ऐसे नाम बहुत पॉपुलर हैं, तो यूपीएससी यूजुअली वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री के नाम से ही बोलता है। सह्याद्री तापी वैली से कन्याकुमारी के नॉर्थ तक लगभग 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हुए डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न एज फॉर्म करती है और सह्याद्रीज के माउंटेन्स इंडिया के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु स्टेट से गुजरते हुए डेक्कन प्लेट्यू को नैरो कोस्टल प्लेन से सेपरेट करती है। साथ ही वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इंक्लूडेड है। वेस्टर्न घाट्स में पाए जाने वाले बायोडायवर्सिटी की वजह से इसे वर्ल्ड के 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से भी एक माना गया है। वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री रेंज इंडियन मॉनसून मैकेनिज्म को भी इन्फ्लुएंस करने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और वेस्टर्न घाट्स के नदन सेक्शन की बात करें तो इगतपुरी के पास कलासुबाई, नासिक के करीब सलहेर, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्रगढ़ यहाँ लोकेटेड इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं। साथ ही थालघाट और भोरघाट वेस्टर्न घाट्स के मेजर पासेस हैं जो वेस्ट के कोंकण प्लेन्स को ईस्ट के डेक्कन प्लेट्यू से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद मिडिल सह्याद्रीज का ज़्यादातर एरिया डेंस फॉरेस्ट एरियाज है, जहाँ वावुल माला, कुद्रेमुख और पुष्पगिरी जैसे इंपॉर्टेंट पीक्स लोकेटेड हैं और यही मिडिल वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी माउंटेन्स में ईस्टर्न घाट से मीट करती है, या ये भी कह सकते हैं कि नीलगिरीज हिल्स मिडिल सह्याद्रीज को कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन में ज्वाइन करती है। डोडाबेटा और मकुर्ति यहाँ के दो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। इसके बाद दोस्तों वेस्टर्न घाट्स का सदर्न सेक्शन पालघाट या पलक्कड़ गैप द्वारा मेन सह्याद्री से सेपरेटेड है। पालघाट एक रिफ्ट वैली है जो तमिलनाडु के प्लेन को केरला के कोस्टल प्लेन्स से कनेक्ट करता है। सह्याद्रीज के सदर्न सेक्शन में लोकेटेड अनामुड़ी यहाँ की हाईएस्ट पीक है, जिसे हम एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अनामलाई, पलनी, कार्डमम हिल्स, महाबलेश्वर,
कोलारी बेटा एटसेट्रा यहाँ के प्रोमिनेंट पीक्स हैं। वेस्टर्न घाट्स के बाद अब हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स की, जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के ऑलमोस्ट पैरेलल रन करती है। और आपको बता दें, ईस्टर्न घाट्स ओडिशा में महानदी से स्टार्ट होकर तमिलनाडु के वैगई रिवर तक स्ट्रेच्ड है। पेनिनसुलर इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट की ओर फ्लो करने वाली पेनिनसुलर रिवर्स ईस्टर्न घाट्स को मल्टीपल प्लेसेस पर डिवाइड करती है, और इस कारण ईस्टर्न घाट्स में फिजियोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी की कमी है। फिजियोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी की कमी होने के कारण यहाँ के हिल्स को जनरली इंडिपेंडेंट यूनिट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ईस्टर्न घाट्स के नदन पार्ट्स यानी कि महानदी और गोदावरी के बीच में मालिया और मधुगुला कोंडा रेंजेस लोकेटेड है, जहां महेंद्रगिरी मलिया रेंज की हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा अराकू वैली में लोकेटेड जिंदागाड़ा पीक पूरे ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। ईस्टर्न घाट्स के सदर्न पार्ट में आर्माकोंडा, गलीकोंडा और सिंक्रम गुट्टा जैसे प्रोमिनेंट पीक्स लोकेटेड है। दोस्तों, गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के बीच ईस्टर्न घाट्स अपना हिली कैरेक्टर लूज कर देती है, और यहाँ गोंडवाना फॉर्मेशन डोमिनेंस देखी जा सकती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और कुरनूल डिस्ट्रिक्ट्स के बीच लोकेटेड ईस्टर्न घाट्स के हिल्स को नल्लामराई रेंज के नाम से जाना जाता है, और इसके सदर्न पार्ट को पालकोंडा रेंज के नाम से जाना जाता है। साउथ की तरफ जाते हुए इन हिल्स के हाइट में गिरावट आती है, और सिर्फ जवादी हिल्स और शेवरॉय कलरायन हिल्स ही 1000 मीटर के साथ डिस्टिंक्ट फीचर फॉर्म करते हैं। इसके बाद ये ईस्टर्न घाट्स नीलगिरीज में वेस्टर्न घाट्स के साथ मर्ज हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो था इंडियन पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में क्विक रिविजन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।